बढ़ सकती है। मारे गए नक्सलियों के पास से शव और हथियार बरामद हुए। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहाँ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। कौन कौन से ट्रूप शामिल है वो जान लीजिए। डीआरजी है, एसटीएफ है, कोबरा है, सीआरपीएफ है। 1200 जवान, समझ रहे हैं, छोटी मोटी सेना समझ लीजिए, 1200 जवान शामिल है। सुबह 6 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। खास बात यह, इस इलाके में बड़े नक्सली लीडर्स की मौजूदगी खबर थी। इसमें चैतू हो सकता है, तकरीबन 40 लाख का इनाम। इसमें पापाराव हो सकता है, तकरीबन 40 लाख का इनाम। चैतू और पापाराव जो है वो अपने आप में डबल लेयर सिक्योरिटी में चलते हैं, यानी नक्सलियों के हिसाब से वाई प्लस सिक्योरिटी की कैटेगरी समझ लीजिए। गंगालूर इलाका लगता है, पीडिया के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। और नक्सल मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया, सभी जवानों ने साहस का परिचय दिया। मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, 12 डेड बॉडी यानी नक्सलियों के शव बरामद होने की जानकारी मिली है। ये तमाम बातें सीएम विष्णुदेव साय ने कही हैं। और आज बीजापुर में गंगालूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं। और सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको श्रीनिवास के पास लिए चलेंगे। क्या कुछ अपडेट उनके पास है उनसे अपने दर्शकों के लिए लेते हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलते हैं। श्रीनिवास आपको नजर आ रहे होंगे। श्रीनिवास, 4 महीने में तकरीबन 103 नक्सली ढेर, और इस लिहाज से बीजापुर का जो ऑपरेशन है तकरीबन 1200 जवान, यानी छोटी मोटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरा एक तरह से, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बड़े माओवादी की इलाके में होने की खबर जैसे ही सुरक्षा महकमा को लगी, इसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लगभग 1200 से अधिक जो सुरक्षा जवान मोर्चा में निकल जाते हैं। सुकमा जिले के जवान हैं, दंतेवाड़ा के जिले के जवान हैं और बीजापुर के जिले के जवान, इन तीन जिलों के जवान लगभग 1200 से के जवान हैं, जिसमें डीआरजी है, सीआरपीएफ है, कोबरा बटालियन है, बस्तर फाइटर है, बस्तर बटालियन है। ये सभी जवान जब बीजापुर के इलाके पीड़िया, जहां पर बड़े माओवादियों की होने की खबर सुरक्षा महकमा को लगी थी, जिसके बाद ऑपरेशन कल रात को ही तैयार कर लिया था और आज सुबह तड़के वहां उस इलाके में पहुंच के माओवादियों पर बड़ा प्रहार किया। खबर ये मिल रही है कि अब तक इस मुठभेड़ में जो सुबह से चल रही थी मुठभेड़ अभी खत्म हो चुकी है, और मुठभेड़ के बाद 12 माओवादियों को सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया है। मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती होना बाकी है। चूंकि इलाका बीजापुर से लगभग 70 किलोमीटर अंदर है, तो जवानों की सुरक्षित वापस आने की भी कोशिश की जा रही है। लगभग देर रात तक जवान पहुंचेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि मारे गए माओवादियों में कितने इनामी नक्सली है। सुरक्षा बल लगातार कोर इलाके में घुस के माओवादियों को के जनाधार को कम कर रहा है। चूंकि इलाका कहा जाता है कि हिड़मा का इलाका है, पापा राव का इलाका है, तो ये पापा राव वो नक्सली लीडर है जो सीसी मेंबर है, करोड़ों रुपए का इनामी नक्सली है। और इसके अलावा वेल्ला का भी होने की खबर सुरक्षा महकमा को मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया। क्योंकि बड़े माओवादी ओहदेदार होते हैं तो स्वाभाविक है इनकी सुरक्षा में भी नक्सली मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जवान और नक्सलियों के बीच में आज सुबह से लगातार मुठभेड़ हो रही है और जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन को अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। अब आने इंतजार है, जो जवान है हमारे सुरक्षा जवान है जो 12 माओवादी के डेड बॉडी लाएंगे, तब क्लियर हो पाएगा जो मारे गए माओवादियों में कितने इनामी नक्सली शामिल है। बता दूं, क्योंकि ये कांकेर इलाके में जिस प्रकार सुरक्षा बलों ने बड़ा हमला किया था, वहां पर 29 माओवादी को ढेर किया था, अबुजमाड़ इलाके में ढेर किया था, तो ये भी एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। क्योंकि ये इस ऑपरेशन में 1200 से अधिक जवान निकले थे और माओवादियों को टारगेट किए थे। माओवादियों में टॉप मोस्ट माओवादी की होने की खबर सुरक्षा महकमा को लगी थी।